You shouldn't apply peel on this area. Hi everyone, welcome back to my channel and I'm back with my review video. Today I will be reviewing Dr. Sheth's medium strength peel and I'm sure that ye is product ka first review video hoga YouTube pe. सो इस वीडियो में आपको इस प्रोडक्ट का लाइव डेमो देखने को मिलेगा और उसके बाद मैं अपनी व्यूज़ दूंगी इस प्रोडक्ट के बारे में एंड आई विल टेल यू पोस्ट पीलिंग अपनी स्किन को कैसे प्रोटेक्ट करें एंड आई विल कंपेयर इट विद मिनिमलिस्ट केमिकल पील. सो द प्रोडक्ट कम्स इन अ वेरी नाइस ग्लास बॉटल पैकेजिंग हैज अ पंप ऑन इट एंड द पंप वर्क्स परफेक्टली. And I can say that the consistency of this product is quite different than the others. It is white in color and has a gel kind of consistency. And if you ask me to compare it with minimalist chemical peel, सबसे पहले मैं आपको बता दूँ मेरे पास minimalist के chemical peel की older packaging है और ये इसलिए बचा हुआ है बिकॉज मैंने इसको पूरी तरीके से खर्च नहीं किया था एंड मुझे लगता है मैंने इसको 5 या 6 बार यूज किया होगा एंड यू कैन सी द कंसिस्टेंसी. दिस इज सो लिक्विडी एंड ये थोड़ा सा स्टिकी था एंड मैंने ऑफ कैमरा इस मीडियम स्ट्रेंथ पील को अपने फेस पे अप्लाई कर लिया है एंड आई हैवंट अप्लाइड इट ऑन माई चिन एंड अपर लिप्स. एंड इसमें इंस्ट्रक्शंस में भी दिया हुआ है अपने लिप्स के अराउंड एंड नोज के कॉर्नर पे बिल्कुल भी यूज़ ना करें. बट मैंने इसको नोज के कॉर्नर पे यूज किया है बिकॉज मुझे वहाँ पे थोड़े से ब्लैक हेड्स की प्रॉब्लम थी. बट आप ऐसा ना करें, आपकी स्किन की सेंसिटिविटी आपकी जिम्मेदारी है. और मैं बताना भूल गई, मैंने अपने फेस को पहले नॉर्मल फेस वॉश से अच्छे से क्लेंज कर लिया और उसके बाद मैंने ये केमिकल पील लगाया है. और इससे भी इम्पॉर्टेंट बात, कोई भी केमिकल पील लगाने से पहले आप पैच टेस्ट ज़रूर करें. तो मैंने 24 आवर्स पहले पैच टेस्ट किया था एंड इट वॉज़ कम्प्लीटली फाइन. 10 मिनट्स हो चुके हैं और मैं अपने फेस को वॉश कर लेती हूँ नॉर्मल वाटर से एंड दिस इज़ द रिजल्ट. सो देयर इज़ अ स्लाइट डिफरेंस. मेरी स्किन पहले से थोड़ी ज़्यादा सॉफ्ट लग रही है और ड्राई लग रही है. ऑफ कोर्स पोस्ट पीलिंग अपने फेस को सूद और हाइड्रेट करने के लिए एलोवेरा जेल मैं यूज करती हूँ और इसको अच्छे से अपने फेस पे अप्लाई कर लेंगे और जब ये अच्छे से एब्जॉर्ब हो जाएगा तो हम कोई भी मॉइस्चराइजर लगा लेंगे जो हम यूज करते हैं. मेरा करंट फेवरेट है ये दोनों, एक है बायोडर्मा से और एक है सेटाफिल से. तो आज क्योंकि मैंने पीलिंग की है तो मैं बायोडर्मा इंटेंसिव बाम लगाना चाहूँगी और मैं इसकी थिक लेयर पूरे फेस पे अप्लाई करूँगी. सो नाउ आई मस्ट गिव माई रिव्यू ऑन इट एंड आई थिंक दिस इज़ अ नाइस केमिकल पील एंड इट डजेंट सीम टू बी वेरी हार्श. मैंने एक मिनिमलिस्ट के केमिकल पील को भी यूज किया है और मुझे लगता है वो इससे ज़्यादा हार्श था एंड इसीलिए मैंने उसे डिसकंटिन्यू कर दिया. मैं डॉट एंड की का लिप मास्क लगा रही हूँ. मैं इसे पूरे 3 महीने से लगा रही हूँ और फिर भी ये इतना बचा है. सो आई वॉज टेलिंग यू मिनिमलिस्ट केमिकल पील थोड़ा ज़्यादा हार्श है. इन दोनों ही केमिकल पील को लगाते टाइम 1-2 मिनट के लिए मुझे इरिटेशन हुई थी, फिर सब कुछ ठीक हो गया था एंड पोस्ट पीलिंग एक्सपीरियंस भी एकदम सेम है, कुछ ज़्यादा डिफरेंस नहीं दिखा. आई मीन पीलिंग के बाद स्किन एकदम से ट्रांसफॉर्म नहीं होती है, इट टेक्स टाइम टू शो एनी रिजल्ट. मिनिमलिस्ट केमिकल पील से मुझे ब्रेकआउट्स में थोड़ा सा रिलीफ मिला था और इसके बारे में तो मैं अभी कुछ नहीं कह सकती, मैं 1 मंथ बाद अपडेट करूँगी. एंड इंस्टेंट रिजल्ट तो आप देख सकते हैं, स्किन पहले से ज़्यादा सॉफ्टर फील हो रही है. और एक बार मैं केमिकल कॉम्पोजिशन में डिफरेंस बताऊँ तो डॉक्टर शेथ के मीडियम स्ट्रेंथ पील में है 5% ग्लाइकोलिक एसिड, 5% लैक्टिक एसिड, 5% मैंडेलिक एसिड, 2% सैलिसिलिक एसिड और इसके साथ इसमें है एलोवेरा एक्सट्रैक्ट एंड सेंटेला एसियाटिका एक्सट्रैक्ट जो कि स्किन को सूद करता है. मिनिमलिस्ट केमिकल पील का जो बेस है वो भी एलोवेरा जूस है बट फिर भी ये थोड़ा हार्श है. एक बात मैं और डिस्कस करना चाहती हूँ कि क्यों हम केमिकल पीलिंग करें, क्योंकि हर किसी को तो पता नहीं है कि केमिकल पील होता क्या है. मैं इस चीज़ को बहुत ही इजी लैंग्वेज में डिलीवर करना चाहती हूँ. आप अपने फेस को स्क्रब करती हैं तो वो है फिजिकल एक्सफोलिएशन और अगर हम इसको केमिकल पील के थ्रू करते हैं तो इसे बोलते हैं केमिकल एक्सफोलिएशन. सो इसमें इतना डरने वाली बात नहीं है. हम केमिकल पील भी लगाते हैं तो हम अपनी स्किन को एक्सफोलिएट ही कर रहे होते हैं और मुझे लगता है कि केमिकल एक्सफोलिएशन फिजिकल एक्सफोलिएशन से ज़्यादा माइल्ड है क्योंकि आपको इंस्टेंटली इतना ज़्यादा रिजल्ट ऐसे मिलेगा नहीं. बट अगर आप फिजिकली एक्सफोलिएट करते हैं आपकी स्किन तुरंत बहुत ज़्यादा स्मूदर और बहुत ज़्यादा ब्राइट हो जाती है.
बट अगर पोर्स को क्लीन करने की बात हो तो फिज़िकली आप उसे क्लीन नहीं कर सकते, उसके लिए आपको केमिकल पील की ही ज़रूरत पड़ेगी। इन केमिकल पील्स में BHA होता है, जैसे कि सैलिसिलिक एसिड, तो वो क्या करता है, पोर्स के अंदर जाके उसको क्लीन करता है। बिकॉज BHA इज़ एन ऑयल सॉल्युबल एसिड, सो BHA पोर्स के ऑयल एंड डॉट को अच्छे से डिजॉल्व करके उसे क्लीन करता है। एक्ने प्रोन स्किन हो तो फिर पोर्स को क्लीन करना ही पड़ेगा। सो इस तरीके से केमिकल पील हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है। सो फार आई एम हैप्पी विद दिस केमिकल पील एंड दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। आई सी यू सून इन माई नेक्स्ट वीडियो। टिल देन स्टे ब्यूटिफुल, बाई।